सैंपल बहुत खूबसूरत और परफेक्ट निकल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये बस आप यहाँ पहुँचते जाएंगे, मैंने इसको पैक करवा देना है। मैं सैंपल आप लोगों को दिखा दूँ लगे हुए, अभी भाई ने लगाए हैं, बल्कि मैं लाइव दिखाता हूँ आपको लगा के। ये भी दिखाएं ज़रा, ये देखें बात चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मशीन आपकी रेडी है मेरा भाई, परफेक्ट है। ये इंजेक्शन उतारने वाले बाद में उतार लूँगा, और देखें माशाल्लाह परफेक्ट शाइनिंग आई है, और बकाया जो है मैं आपके सामने लाइव लगा कर भी आपको दिखाता हूँ। तो अल्लाह खैर करे आप आएँ। आप आज मेरा ख्याल किसी वजह से रुक गए थे, तो आपने मुझे बताया भी है, अगर इंशाल्लाह आज पहुँचते हैं कल पहुँचते हैं तो आप मेरे पास विज़िट करें बेफिक्र होकर। तो आपके टाइम से पहले मैंने आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है माशाल्लाह। और किसी भी भाई ने अपनी मशीन बुकिंग करवानी है तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रही है, रब्ता करें, ईज़िली यहाँ पर आएँ और पहले आने से कॉन्टेक्ट कर लें, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ की दुश्वारी और परेशानी ना आए। कैमरे तैयार हो रही है, मेरा ऑर्डर था और ऑर्डर भी मैंने सोचा कि आपकी डाई के ऊपर थोड़ा निकाल लूँ, ताकि मुझे भी आसानी हो कुछ, मैं तो आप लोगों का फ़ायदा ले लूँ। और ये कंप्रेसर भी पैक हुए पड़े हैं, कंप्रेसर भी आप लोगों को देना है, और उसके अलावा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम निकाल फुल टाइट, माल ना निकले पाए, ठीक है। खोल दे थोड़ा यार, खोल दे थोड़ा ही, ठीक ठीक है ठीक है। अगर दूसरा पीस लगाएं, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मेरे पास विज़िट के लिए आते हैं, तो आप ये भाई रहीम यार खां से मेरे पास आए हैं, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यार मेरे पास आए हैं, इनको रवैया कैसा लगा यार? काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि यार वो किसी और लोगों के पास जाते हैं, किसी के पास जाके वो विज़िट कर दिए जाते हैं, तो वो लोग कैसा उनके साथ बिहेव करते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोज में भी आप लोगों के साथ बिहेव अच्छा होता है। ये भाई रहीम यार खां से मेरे पास आए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनसे आप लोग इनसे ज़रा पूछते हैं कि भाई आप लोगों को कोई फ़र्क वीडियोज़ में भी आपसे मिल सर, बहुत अच्छा गाइड किया आपने। भाई का नाम मोहम्मद वसीम। वसीम भाई आप मेरे पास आए, वीडियोस में या अभी मेरे पास लाइव मिलने में कोई डिफरेंस आया? नहीं नहीं सर, तो लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे मेरे पास आ सकते हैं बेफिक्र होकर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी आएगा इंशाल्लाह भाई बहुत अच्छा गाइड किया आपके साथ, बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो ये भाई मेरे पास आए हैं, लोगों ने मशीन बुक करवानी है, तो मशीन बेशक लें ना लें कोई भी आप ही आ सकते हैं मेरे पास कभी पैन टाइम, लेकिन यार आने से एक दिन पहले बता दिया करें, ताकि मुझे भी पता मेरे भाइयों के पास आना है। आप कुछ कहना चाहें? नहीं भाई शुक्रिया, आप आए आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। ये भाई मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें छोटा सा क्लिप आप लोगों को बनाकर दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे पास जो भी आते हैं भाई कहीं से भी आते हैं तो हमारा रवैया एक जैसा। जैसे कि आप ये आप लोगों ने मशीन मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है, भेज दी है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बोर्ड के ऊपर आ जाना है, बोर्ड के ऊपर ज़रा दिखाएं, बोर्ड आपका ऑफ है, ऑफ की ऑप्शन कहाँ आ रही है ये देख लें, बस ये आ रही है यहाँ पर, ये एक निशान लगा होगा, नहीं लगा तो आपने देख लेना है ये ऑफ है। इसको आपने लोगों ने घुमाना है, ये फुल पे आ गया, इसको आपने लोगों ने चार नंबर पर रखना है, बस सिंपल। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ टाइम देखना है, अपना टाइम देखना है कि अब कितना टाइम है, 4:10 हो चुके हैं बिलफर्ज, 4:20 के बाद आपने इसमें दाना डालना है, वो चार नंबर पर ही चलेगा, ठीक है। जैसा कि अभी मेरा बिलफर्ज टाइम हो चुका है तकरीबन, लेकिन आप लोगों ने टाइम को फोकस करना है, ये बंद हो रही है ट्रिक और इसको आप लोगों ने सोचना, ठीक है। अब मैंने दाना डाल दिया, मेरे अंदाजे में मेरे 10 हो गए बिलफर्ज, आप लोगों ने 10 राइट टाइम इसके अंदर दाना डाल दिया, दाना कितना डाल रहे बस कितना यहां तक नजर आई, बस फुल ना हो, 8 और वेट करना है, 4 नंबर के ऊपर 10 पहले वाले, दाना डालने के बाद 8 टोटल हो गए 18 के बाद बगैर पूछे बताए घुमा के 2 नंबर पे दे, जहां 4 था जहां ऑफ था वहां 2 आ गए,
जो नंबर लाना है वही लाना है जहाँ पे ऑफ था, वहां निशान लगा। लेकिन अभी मैं इसलिए वापिस आ रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, ठीक है सर। जब 18 मिनट आपके पूरे हो जाएंगे, आपने दो पे कर दिया, आपने इसको घुमा के देखना है, ऐसे घुमाएंगे तो नीचे से माल निकलना स्टार्ट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं निकला दो पे किया है बस ठीक है, 5 मिनट 4 मिनट और देख, 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद फिर सा दबा के देखो, जब माल निकलना स्टार्ट हो गया आपका काम स्टार्ट हो गया। इस चीज को समझना है, इस चीज को नहीं देखना, बंद हो और उसको नहीं देखना। मैंने जो बताया है टाइम टेबल को फोकस करना है, इस चीज को देखना, और जो 18 मिनट के बाद 2 नंबर पे कर देंगे इसको आप लोगों ने दबा के चेक करना है नीचे माल इतना स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 5 मिनट 4 मिनट और वेट कर। वेट करने के बाद ये माल जब निकलना स्टार्ट हो जाए अपने पिन लगाएं, इसको दबा के करना शुरू कर दें। जस्ट मिनट मुकम्मल सेटिंग जो है ना मैंने घुमा के दिखाया, उधर से भी आगे जस्ट मिनट जो है ना मैंने आप लोगों को करके दिखानी, देख इधर से भेजनी है, मैंने क्लिप बना के भेज रहा, मैं आप लोगों को बोलूँगा अंकल जी बिल्डिंग लगा दूँ, जैसे लोगों की बिल्डिंग जा रही है बिल्टी लगा के जब मैं आप यहाँ वीडियो भेजूँ अंकल जी इस तरह है बिल्कुल ओके है तो ये मैं सेंड कर दूँ आप, क्योंकि बेटा मैंने आपके पास आके लेके जानी है पैसे, मैं अगर आप कहते हैं कि मैंने ये बिल्टी ही लगवानी है तो मैं बिल्टी लगवा दूँगा, ठीक है। एडजस्टमेंट मैंने करके देनी है, बेशक मुझे एक दिन लेट हो जाए, जो भी मसले मसाइल हैं मैंने इन चीज़ों पर क्लियर करने हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर मेरे पास आ रहे हैं, मैं लोगों को मायूस करना मेरा मकसद नहीं है, और ये देखें जो भी चीज़ होगी इसके अंदर जो भी सोना है मट्टी है मैं उसको खुद चेक करूँगा पहले। आपके पैसे मेरे पास तब तक अमानत होते हैं जब तक मैं चीज़ को खुद अपने अंदर ना करूँ कि यार ये वाकई ही क्लियर है, मैं मुतमिन हो जाऊँ फिर आप मुतमिन। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शुरू से दावा है। अब मैंने इसको 4 नंबर पे चलाने के बाद 2 नंबर पे जब कर लिया ना सर, आप लोगों ने बड़ी पिन जब चलानी है ना इसके अंदर लगा के डाई के अंदर जब लगी होगी आप लोगों को पिन लगाने के बाद इसके अंदर पेस्ट करेंगे, इसको फुल कसना है, फुल टाइट करना है, फुल टाइट जब करेंगे डाई को घूट लेगी, दबा लेगी अंदर, दबाने के बाद आप इसको दबाएंगे इस सुराख के अंदर से जो है ना माल पेस्ट होगा अंदर, जब वो भराई हो जाएगा फिर वो अंदर ये पिन तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों ने जब छोटी साइड लगानी है, ये USB वाली साइड है ये बड़े वाली साइड, जब आप लोगों ने छोटी पिन लगानी है ना उसको एक नंबर पे ले आना, पावर को एक नंबर पे लाना है, क्योंकि आपको थोड़ा माल चाहिए, थोड़ा माल तैयार करे हल्की हीट हो उसमें ताकि आप लोगों का माल वेस्ट ना हो, बाज का तो नीचे दाना निकलता रहता है उसकी हीट कंट्रोल में नहीं होगी दाना निकलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप 2 नंबर पे चला रहे थे 18 मिनट के बाद जब बड़ी पिन के ऊपर, तब आपका थोड़ा सा जोर लग रहा है, ये देखिए अभी मेरा जैसे जोर लग रहा है, पिन लगाते लगाते जोर लग रहा है ना, अब उसको हल्का से 2 पे भी आएगा 2.5 पे कर दें ताकि हीट बढ़ जाए, माल नरम हो जाए, आपको जोर लगे ना कम हो जाए। जब आपका लग रहा है कि माल मैं 2.5 निकालता हूँ नीचे माल गिर रहा है, फिर आपको हीट और कम कर दें, इसके साथ खेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहले हफ्ते समझ के बाद में आप बताने वाले बनेंगे मुझसे भी बढ़कर, क्योंकि उम्र में ज़्यादा आपको तजर्बा ज़्यादा है, सही बात, इंशाल्लाह आप ये कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है सही। और बकाया मुश्किल का बाद ही आसानियाँ आती हैं, सही है, ठीक है सर। और इंशाल्लाह थोड़ी देर में सैंपल लगाते हैं, वीडियो बंद करें, दोबारा चलाएंगे।